ખાઈ છે એક ચામટો નહીં બટ નીચે થોડો થોડો મુઠ્ઠી બંધ કર દો હા ઉપડો જાવ સારી कृष्ण वैसे 12:30 बजे है और मैं आई हूँ फ्री होके शौर्य आप समझ गए होगे कि शौर्य चक्कर लगाने गया है और मैं आई हूँ यहाँ चक्कर लगाने और कुछ पेड़ देखने। गाइस कुछ में जल्दी मोर आया था ये फूल रहते आम के तो छोटे छोटे मैंगोज मैं दिखाने आई हूँ और देखने आई हूँ। इसको हम अपनी काठियावाड़ की लैंग्वेज में खाखड़ी बोलेंगे। ये जो छोटे मैंगोज़ है इधर है जहाँ जहाँ मैंगो बड़े होते जाएंगे इसके जो फूल है वो सूख के बिखर जाएंगे। कुछ पेड़ अभी खाली है कुछ में शुरुआत है वहाँ पेड़ों के नीचे से तेतर भागे वो बहुत डरपोक रहते हैं। मैंने गीता जी में पढ़ा था ये आप सब भी जानते हैं कि सूरज की धूप से फूल पत्ते पौधे सूरज की धूप से खिलते हैं लेकिन गीता जी में ये भी लिखा था कि ये फल में और सब्जियों में जो मिठास आती है वो चंद्रमा के प्रकाश से आती है। मतलब जितनी वैल्यू सूरज की है हमारे शास्त्र में हमारे ये पर्यावरण में सूरज की जितनी महत्वता है उतनी ही वैल्यू चंद्रमा की है चांद की है। तो मुझे याद है गीता जी में ऐसा लिखा था कि चांद की रोशनी से ये जो फल है सब्जियां है सब्जियों में भी कुछ ऐसी सब्जियां रहती है जिसमें रस रहता है पौष्टिक रहते हैं तो मिठास चांद के कोई है चांद के प्रकाश से आती है। और मैं चक्कर लगा रही हूँ आम लगते हैं आम जैसे बड़े होते हैं इसमें छोटे हैं तो इसके फूल जो है वो बिखर जाएंगे सूख के पूरा। ये छोटी खाखड़ी मीन्स यहाँ तो खाखड़ी बोलते हैं मैंने गुजरात साइड नहीं सुना था हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि छोटी छोटे आम। इसकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है मुझे बहुत पसंद है जैसे लाइक मुरब्बा टाइप लेकिन सब्जी में हम क्या हल्दी नमक जीरा तड़का लगाते हैं तेल का तो ऐसा रहता है। कुछ लोग लौंग इलायची डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती फिर वो मुरब्बा हो जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम हम लॉकडाउन में यहाँ थे और मार्च एंडिंग था मुझे याद है और आम लगे थे तो हम डेली आम की ये छोटे छोटे आम की सब्जियाँ बनाते थे तो इस बार भी मैं बनाऊंगी। लास्ट ईयर तो शौर्य बहुत छोटा था तो मैं ऐसी कोई किचन की या फिर रोज़मर्रा की जो रूटीन है ये कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत बेबी था छोटा था
तो अभी तो मैं कुछ एक्टिविटीज़ भी करती हूँ जो मेरी रहती है, तो इस बार पक्का मैं सब्जी बनाऊंगी। इस बार आई विश कि मैं बना पाऊँ, मुझे बहुत पसंद है खाने में। डेली अगर कुछ ना हो तो रोटी और आम की ये सब्जी चलती है, स्वीट रहती है। और मैं अभी जस्ट फ्री हुई, ये खाली रहते तो बाल्टी, मुझे वहाँ पानी की टंकी है वहाँ से एक एक बाल्टी भर के पानी देना पड़ता है रोज़। जैसे ही जनवरी ख़त्म होगी मैं सब कुछ, ये जितने भी है सभी को चेंज करके सभी को मैं छाँव में लाऊंगी, छाँव में मैं शिफ्ट कर दूंगी। मैंने अभी झूला भी लगा दिया, झूला ऐसे ही पड़ा था तो नहीं बोला, लेकिन अभी मैंने झूला लगाया तो नज़र के सामने है ना, तो उसने बोला झूले में बैठना है, तो 5 मिनट झूले में भी बैठ बैठा था। अभी आज बिल्कुल हवा नहीं है, मतलब इतनी ज़रा सी भी हवा नहीं है। तो जब बिल्कुल हवा नहीं रहती और मैं फ्री रहती हूँ ना गाइस, तो एक ही मन करता है कि मैं फटाक से एक छोटी सी रंगोली बना लूँ, लेकिन काम भी बहुत ज़रूरी है। सब समझते हैं कि भाई छोटा बच्चा है, अकेली है, नहीं कर पाएगी, लेकिन रूम को क्लीन करना भी ज़रूरी है। मेरी सबसे पहली चॉइस, अगर मैं मान लो कि मुझे घर पे अकेला छोड़ा, तो मैं काम करना नहीं चाहूँगी, पहले पहले एक रंगोली करना चाहूँगी। लेकिन रूम को क्लीन करना, ठीक ठाक करना, ये सारी चीजें एक रूम में, एक तो रहते हैं तो कंजेस्टेड, यहाँ वहाँ चीजें पड़ी रहती है, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है रूम। रूम क्लीन रहता है तो क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है। आज बिल्कुल भी हवा नहीं है, पवन रोज डेली रहती है, तो इतनी तेज हवा में मैं रंगोली नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आज बिल्कुल पवन नहीं है और सौर्य गया है चौक में, तो मन किया है कि चलो पहले रंगोली, क्योंकि मुझे रंगोली का बहुत पागलपन है, मुझे बहुत क्रेज है, शौक है, तो डेली मैं पहले किया करती थी। तो आज वेदर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पहले रूम झाड़ू निकाल दूं और क्लीन कर दूं रूम को। अगर दोपहर में सेम ऐसा रहा, अगर दोपहर में सो गया और हवा नहीं चली, तो मैं जरूर रंगोली बनाऊंगी। सी गाइस, जो चीज हम 3-4 महीने पहले ट्राई कर रहे थे, आज ये ऑटोमेटिकली हो रही है, धीरे धीरे धीरे, बेहाथे थी बेहाथे थी। मैंने और पापा ने इतने ट्राई किए हैं उसको चलाने के लिए, सिखाने के लिए। बेटा आम, एक सेकेंड, आम 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 आम, हवे पकड़ पकड़। अभी एक हाथ से पकड़ के कोशिश कर रहा है, हाँ, लेकिन कर जरूर रहा है। एक सेकेंड, बस आम जवा दे, आम जवा दे, सॉरी आम आम जो उभो थी जा, मार दी को उभो थी जा, आम जो उभो थी जा, उभो थी जा, ले आ पकड़ी ले, पकड़ी ले, आ पकड़ी ले, आ पकड़ी ले, पकड़ी ले, पकड़ पकड़ धीमे धीमे। हाँ, वाओ, आई एम सो हैप्पी। चलो, वो कोशिश कर रहा है और इंटरेस्ट भी बता रहा है। अभी एक कपल आया है राजकोट से, हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो राजकोट से भेजा है मेरे देवर ने। ये घर पे था सितंबर में, जब मैं राजकोट थी तब ये वहाँ था, तो आज ही आया है। तो मैंने अभी धूल चढ़ी थी पुराना, तो
तो मैंने अभी वॉच किया तो उसने देखा, आई थिंक इसने देखा सितंबर अक्टूबर नवंबर, चार महीने के बाद देखा। एंड नाउ वो इंटरेस्ट बता रहा है कि ये चीज क्या है, इसको पकड़ के चल सकते हैं। शौर्या जो आयु जो आयु, पहले तो वो पकड़ पकड़ने के लिए तैयार भी नहीं था ना, देखने में इंटरेस्ट। हाँ उबो थी जमा दी को, इसको मैं बाहर ले जाऊंगी शाम को। आम जो आम जो आम हवे पकड़ी उबो थी जा दीको। ये बच्चों के लिए बहुत ही इजी है अगर चलने के लिए। माय गॉड खम्मा खम्मा खम्मा, हमें बात बात पे चोट लग जाती है गाइस। आई कांट इमेजिन जब वो पहले फर्स्ट स्टेप चलेगा तो मैं एक तो पागल हो जाऊंगी। एक बार हजी उबो थी जाने, उबो थी यो जो उबो थी यो उबो थी यो। अरे न्यूज़पेपर इतना उसका, अरे उसको साइड पे रख भाई, एक बार उबो थी जान मर्दी को। चलो हमने कोशिश बहुत ही बढ़िया की, मैं बहुत खुश हूं। शाम को बाहर ले जाऊंगी इसको, एक बार पकड़ ले बेटा। जो जो आया ये आया, बुलाई बुलाई बुलाई, बूम पाड़ दादा, बूम पाड़ मोटे दी, बूम पाड़। એમાં નાખતો નહી, નો વેરી ગુડ, અબ તો બહાર લેને જાના પડેગા। હાય કોણે ફેંક્યું, કોણે ફેંક્યું? સંધ્યા કા સમય હુઆ હૈ, एक संध्या के समय में और एक सूर्योदय सुबह का टाइम, इन दोनों वक्त में गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र में बहुत ही पावर है, पॉजिटिव वाइब्स बहुत है। मतलब सुबह के टाइम और संध्या के टाइम सबसे बेस्ट मंत्र गायत्री मंत्र है। अब इतनी त्या फेंकी दी तू इसने बाहर, ये पॉन्ड हाँ चल बाहर की साइड है, नहीं आओ तो इसने फेंका है अपना टॉय, मुझे बाहर जाना जाके लेना पड़ेगा। शौर्य वो तो आने लाइन ना जा सकू। ओम भूर्भुवस्वः, दादा ने बोला तत्सवितुर्वरेण्यं। पापा ए पापा एक मिनट आओ, उसके पाव खड़ा रखूंगी फिर मैं लेने जाऊंगी। आए उभा रहे ना, पावडर फेंक दी दो, मर बाहर जाओ ऊपर से। बाहर फेंको, पानी में फेंको, पानी में। हाँ तुम्हारा बाहर के ले आओ, हाँ ले आओ ना, मैं ले आओ। तत्सवितुर वरेण्यं पावडर क्या देवस्य धीमहि, पावडर क्या ये बबलू, पावडर क्या प्रचोदयात्। हमरा लिया हुआ खाना, ए खाना हमरा लिया हुआ, वह हमरा लिया हुआ हुआ। दादा जा रहे लेने और मैं इसके साथ हूँ। दादा 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 तो इतना क्लियर बोलता है, एक मम, और जब इंजेक्शन लगता है तभी बोलता है मम्मा। दादा दादा गए बाहर की साइड और फिर उसका टॉय देंगे। ये पॉन बनाया है मलेशिया के लिए, गाय और गाय और भैंस लेके जो आते हैं ना, तो बाहर से पानी पी के। पापा तुम लेने जाओ जो, नहीं तो पाछो फेंक से ना, तो आप तक नहीं लेने जाओ जो, નીતરે પાછો ફેંકશે। ચલો થોડી વારમાં છે ને અંદર જવાનું છે,
लेने जाओ, लेने जाओ। अभी गर्म पानी रखेंगे, फिर हाथ मुंह धोएंगे और ढेर सारा क्रीम लगाएंगे। सॉक्स फंस गए। चलो बेटा अंदर जैसु। चलिए टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा टाटा टाटा, बाय।